तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रू गियर ये कैसा दिखता है, इसका क्या काम होता है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रू गियर इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस्ड हेलिकल गियर। इसको हम लोग क्रॉस्ड हेलिकल गियर के नाम से भी जानते हैं। दे आर यूज्ड फॉर मोशन ट्रांसमिशन बिटवीन नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स। दोस्तों ये यूज़ होता है जो कि मोशन ट्रांसमिशंस जहाँ पे होते हैं, किस किस के बीच में, नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के बीच में। मैं एक आपको फोटो दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से दिखता है। मैं अभी वीडियो पे आता हूँ। वाइल हेलिकल गियर्स यूजुअली इंगेज बिटवीन पैरेलल शाफ्ट्स, स्क्रू गियर डू सो एज 90 degrees। जो हेलिकल गियर है दोस्तों, वो किस काम में एंगेज होते हैं, पैरेलल शाफ्ट्स के बीच में। ठीक है दोस्तों, स्क्रू गियर्स डू सो एज 90 degrees। जो हमारे स्क्रू गियर्स हैं वो 90 degrees पे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हेलिकल गियर्स हैं वो पैरेलल शाफ्ट के बीच में एंगेज होते हैं, और जो स्क्रू गियर होते हैं वो भी वही काम करते हैं 90 degrees के बीच में। द टीथ ऑन स्क्रू गियर आर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक, जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया दोस्तों आपको। दे फॉर्म अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू गियर्स एंड हैंड्स आर नॉट वेरी सुटेबल फॉर हाई लोड एंड हाई स्पीड एप्लीकेशंस। दोस्तों ये जो स्क्रू गियर्स होते हैं, ये एक हेलिक के फॉर्म में होते हैं। इसके जो दांत होते हैं वो हेलिक के फॉर्म में होते हैं। दे फॉर्म पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू गियर्स, ये एक जो है पॉइंट होते हैं दो गियर्स के बीच में, इस तरह के होते हैं। इसके लिए दोस्तों ये ज़्यादा हाई लोड या हाई एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं कहा जाता है हमको। दे ऑल्सो हैव लो एफिशेंसी कंपेयर्ड टू अदर हेलिकल गियर्स। दोस्तों इनकी जो है काफ़ी लो एफिशेंसी होती है अदर हेलिकल गियर्स के मुकाबले। अ यूनिक ट्रेट ऑफ स्क्रू गियर इज दैट दे यूज द सेम हैंड पेयर व्हेन एंगेजिंग। अ यूनिक ट्रेट ऑफ स्क्रू गियर्स इज दैट दे यूज सेम हैंड पेयर व्हेन एंगेजिंग। मोशन इज ट्रांसमिटेड एज द सेम हैंड पेयर्स स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। उसे एक यूनिक ट्रेट जो होता है, जो अपने स्क्रू गियर होते हैं वो यूनिक ट्रेट फॉलो करता है, और ये सेम हैंड पेयर जो है इसका एंगेज हो जाता है। इसमें जो मोशन है वो ट्रांसमिट होता है सेम हैंड पेयर में, आपस में, अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है दोस्तों, लुब्रिकेंट ऑफ स्क्रू गियर्स इज देयरफॉर अ नेसेसिटी। दोस्तों इस केस में जो स्क्रू गियर्स हैं उनको लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती ही है। देयर आर नो लिमिटेशंस ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ टीथ्स। दोस्तों नंबर ऑफ टीथ्स के इस केस में, स्क्रू गियर्स में कोई भी लिमिट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे ही स्क्रू गियर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।